मैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी लड़कियों की ब्लॉगिंग के लिहाज से, लेकिन आप प्यारी लड़कियां कैसे प्यारी लगती हैं, लिपस्टिक लगा के प्यारी। प्यारे हस्बैंड का दिल ला जाए, ऐसी बिरयानी आपने बनानी है कि आपके बच्चों का दिल ला जाए। तो प्यारे वाले गाइस, ये है जी मेरा चिकन जो कि धो दिया है अच्छे तरीके से। अब इसको जो है ना, मैंने बिरयानी बनानी है, लेकिन बिरयानी मैं बनाऊंगी एक नए तरीके से। तो आपने एक भी पॉइंट को ना मतलब कि स्किप नहीं करना। तो हम बिरयानी शुरू करते हैं। मुझे जो जो मसाले चाहिए वो पहले मैंने इधर से निकाल लेने हैं। ये दड़ा मिर्ची, ये नमक और ये वाला मिक्स मसाला, जो जो आपको मसाला चाहिए वो आप डिटेल से निकाल लें। तो इसको मैंने खोलना है और मैंने निकाल लेना है अपना मुंबई बिरयानी मसाला। हा हा हा, इसको कर देना है बॉन। तो गाइस, अब मैंने ये ले लिया है स्पून। अब ज़रूरत के मुताबिक ये लाल मिर्ची, दड़ा मिर्ची, नमक, दही, सूखा धनिया और जो है बाकी ये गरम जीरा, ये वाला मसाले सारे मिक्स करना। ये है जी दड़ा मिर्ची, इसको हमने डालना है एक स्पून थोड़ा सा। ये है जी हमारा प्यारा वाइट कलर का नमक, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। ये भी ऐड करना है क्योंकि मैंने इसका चिकन को मैरिनेट करना है ना, ऐसे इसको बीच में डाल देते हैं। अब जी हमने इसको खोलना है और हमने डाल देना है इतना सा बस। तो जी ये मैंने बम्बई बिरयानी मसाला भी डाल दिया, हल्दी मैंने डाली है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी बस। इनको कर देना है हमने बंद बंद। ये जो है ना, ये दही है, इसको हमने मिक्स कर लेना है आराम आराम से। कितना प्यारा जमा हुआ दही है ना, मज़ेदार। एक और स्पून हम लेते हैं इधर। एक और चीज़ तो मैंने ऐड ही नहीं की, वो है जी ये प्यारा वाला कलर, लेकिन इसके हमने डालने हैं एक इतना सा बस 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 बस। तो प्यारी लड़कियों, ये आपके लिए है, आपके लिए। आपने क्या करना है, चीज़ों को ना जहाँ से आपने उठाया था वहीं पे साथ साथ समेटना भी है, क्योंकि काम आपने ही करना है। तो गाइस, मैंने इसमें हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अदरक लहसुन को मैंने बारीक बारीक काटती हूँ, मैं पेस्ट नहीं बनाती, आपकी मर्जी है, आप पेस्ट पे बना सकते हैं। तो प्यारे वाले गाइस, मैं आ गई हूँ आपके सामने और मैंने सोचा है कि जब कुकिंग करनी है तो आपको दिखा के करनी है, आपको बताना है। प्यारी लड़कियाँ इतनी प्यारी हैं ना, आपको पता है लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन ना आप लड़कियों का दिल नहीं करता क्या कुकिंग करने का। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जो है ना इतने अच्छे से कुकिंग करें ना कि आपका खुद पे दिल आ जाए। आप प्यारी लड़कियाँ कैसे प्यारी लगती हैं, लिपस्टिक लगा के प्यारी लगती हैं, और अगर आप कुकिंग करें और सबको खिलाएं तो आप सबको प्यारी लगेंगे। मैंने इस वजह से ये चैनल का मरियम एसन टेस्टी टॉक्स नाम रखा, क्योंकि हम आपके साथ कुकिंग के साथ साथ मैं आपसे मजेदार वाली बातें भी शेयर किया करूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी कुकिंग करनी है। सबसे पहले काट लेना है प्याज को। सबसे पहले आपने ले लेना है ये, इसके बाद आपने काटना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बिल्कुल ना भूले। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काटते वक्त प्यारी लड़कियों, आपका ध्यान छुरी की तरफ होना चाहिए, कोई आवाज दे, कोई इस तरह हो, कोई इस तरह नहीं, हाथ ना काट जाए ना। इसलिए हम पहले प्याज को काट लेते हैं। ये देखे, पहले मैं प्याज काट नहीं सकती थी और अब देखे आपने, ये प्याज मैं काटती हूँ। अभी इसको पहले छिड़का उतार लेना अच्छे से, छिड़का हाथ से भी आप उतार सकते हैं, लेकिन मैं जरा इस तरह थोड़ा सा करती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से उतर जाएगा। थोड़ा सा इस तरह ये काट लिया। अब हमने प्याज काटना शुरू करना है, ये गोल प्याज। लड़कियों को, अगर जिन लड़कियों को नहीं काटने आता, सबसे पहले दरमियान में काट लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देखना मैं प्याज कैसे काटूंगी, मुझे मैंने तो आप सबने बता बता के सिखाया है ना। तो अभी मैं कहती हूँ कि जैसे मैं सीखी हूँ, लड़कियों को भी शौक होगा कुकिंग का, लेकिन वो कहती होगी अब मैं किस तरह कुकिंग करूँ, खराब ना हो जाए, जायका आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें प्याज काटते हैं सबसे पहले। अब मेरी आंखों में लगना शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी प्याज प्यारे काटो जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं रोऊंगी। गाइस, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं इसलिए हमने प्याज ज़्यादा काटना है, प्यारे वाले प्याज। लेकिन बिरयानी भी तो मज़े की हम ही बनाएंगे ना इंशाल्लाह। पता अक्सर लड़कियाँ होती हैं कहती हैं कुकिंग किस मारे करनी, वो किचन में जाते हुए ना बड़ा उनको होता है,
कि नहीं नहीं किचन में जाना ये वो इस तरह चाह बनानी पे जावे अगर कोई घर में मान आ जावे और वो कहे चाह पिलाओ फिर वो दूसरी बारी भी आई जावे कहे फिर चाह पिलाओ फिर एक और बारी कहे फिर चाह पिलाओ तो कुड़िया कैसे मेरे को नहीं चाह बननी। तो गाइस इस सिचुएशन को डील करने का तरीका भी मैं ही आपको बताऊंगी। पहले आप प्याज काट लेना, आपने पूछना कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने उन मेहमान के साथ कैसे डील करना है। और आपने बिल्कुल मुंह नहीं बनाना, ये नहीं आप प्यारी मरियम आपको ये सिखा रही है कि मुंह बना दो। चाह बनाना कड़ा मुश्किल कर ले, पत्ती पाओ, चीनी पाओ, दूध पाओ, चाह बनाना भी मैं तो सुनो आसान तरीका सिखा सा। चलो पहले प्याज से काट लो। और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, शादी मैंने मैं कुकिंग तो सिखा देती। और कुकिंग के साथ साथ और कुकिंग के साथ साथ शादी ने देखे ना मेरा प्यास से आंसू आ गया गाइस। साथ साथ में चीजें भी समेटनी है, गंदी लड़कियों की तरह काम में करना, इस तरह गन गन मचा के रखती हूँ किचन में, हर जगह में उनका गन मचा। अब प्याज को इस प्लेट में डाल देना हमने। और फिर बारी आ जाती है हमारे प्यारे वाले टमाटर काटने की। आपको मैं बिरयानी का नई तरीका सिखाती हूँ, नया। कौन कौन लड़कियाँ ना किचन में जाते वक्त खुद को महारानी समझती हैं और कहती है हम ये डालने लगे हैं, अब हम ये डालने लगे हैं, अब हमारा जायका और भी प्यारा हो गया। कभी आपने खानों से बातें की हैं, कभी आपने चिकन से बात की है, कभी आपने इस प्यारे प्यारे रेड कलर के मेरे प्यारे टमाटर से बात की है कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताना, ठीक है? खाना बनाने में जो मजा है ना, वो जिंदगी की किसी बात में मजा नहीं है। अगर आपको इससे बातें करने का तरीका आ जाए तो आपको रेड कलर का टमाटर भी हीरा लगेगा, इसके बीच के दाने हीरे लगेंगे, हीरे। पहले काट लो, आप कहेंगे ज्यादा बातें, आपको मेरी बातें अच्छी लगनी है कि नहीं, ठीक है कमेंट्स में बताना, ठीक है? ओके, अभी टमाटर को भी अच्छे से काट लेना है हमने गाइस, ऐसे ऐसे कर लें क्योंकि अभी जो है ना ये टमाटर है बहुत बड़ा, इसलिए हमने इसको बिरयानी बनानी है। कमाल, मेरे हस्बैंड जो है ना, अब मैं इनको टिफ़िन बना के देती हूँ ना, तो ठीक है, और इनके साथ जाहिर बात है कोई बंदा पूछ लेता है खाएंगे, तो जब अगर मेरे हस्बैंड किसी को खिलाएं ऐसे पूछ लेंगे कि आप खाएंगे, तो वो एक बुरकी डाल ली अगर और फिर आगे से जायका ना मज़ेदार हो तो किसकी बेइज्जती है? बेगम की बेइज्जती होती है ना। तो इसलिए आपको टेस्ट मज़ेदार होना चाहिए, आपके जायकों में, आपके खानों में मज़ेदार टेस्ट होना चाहिए, ताकि आपके हस्बैंड अगर टिफ़न लेके जाएं, ठीक है, और अपने किसी दोस्त को खिलाएं, भुरकी शुरकी टेस्ट करवाएं, तो मज़ा आए कि वाह उसकी बेगम ने तो इतना मज़े का खाना बनाया था। फिर वो जो लड़का ना, वो अपनी बेगम को बताए उसकी बेगम ने इतना मज़ेदार खाना बनाया था, फिर वो बेगम गए उसको देखा था उसने मज़ेदार खाना बनाया था, मेरे शौहर बता रहे थे। मतलब यहाँ पे बातें होती है कुकिंग के साथ साथ मजेदार। तो एक और भी बात है, एक बंदा काम कर रहा है ना, ठीक है, वो भी इतनी बातों में लग जाता है, अच्छा सुना चल मैं थोड़ा ना ध्यान ना काम कर सा, थोड़ी बाद काम कर सा, फिर एक और बंदा आना, एक और खातून तशरीफ लाती है और कहती है इसने ये नहीं पता कि काम कर ही ले, पहले गल्ला इसने को करा ही लो। इस तरह के कौन बंदा होता है जो कहता है कि ना इसने काम ना तो नहीं पता, हालांकि वो काम कर करके थक की बैठी हो, फिर भी कोई दूसरा बंदा खातून प्यारी वाली आएंगे वो कहेंगे इसने काम ना नहीं पता, पहले इसने को गल्ला करा ही लो। प्याज एंड टमाटर हमने प्यारे प्यारे प्याज जो है हीरे समझे इसको, टमाटर को भी आप हीरा समझें, और हीरे को आप इतने प्यार से रखें जितना आपको हीरा मिल जाए, और आप उसको एहतियात से रखें तो फिर क्या ही मज़ा आ जाएगा। इनको हीरे समझें तभी तो आपके जायकों में भी हीरे जैसा टेस्ट आएगा। हमने ये अपनी प्यारी वाली हरी मिर्चें भी काट ली हैं। अच्छा गाइस, मैं आप प्यारी वाली लड़कियों से एक बात पूछती हूँ, एक बात तो मुझे बताएं गाइस, किस किस का ना, कौन कौन लड़की ना छुप छुप के ना व्लॉगिंग करना चाहती है, किस किस को व्लॉगिंग अच्छा लगता है? कोई लड़की कहती है कि मेरा भी दिल करता है व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं फैमिली की वजह से नहीं आ सकती, मैं फेस नहीं दिखा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। कुछ लड़कियाँ इस तरह की हैं, तो फिर मैं उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी कि वो व्लॉग्स कैसे बना सकती हैं, ठीक है? मैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी लड़कियों की व्लॉगिंग के लिहाज से, लेकिन लड़कियाँ ने छुप छुपा के नहीं व्लॉगिंग करनी,
अम्मी अबू नु पता लग गया ना ते फिर तुसानु कार समझते गई हो मसा तुसा तो इस वजह तू ना मैं तुसानु दसा कि तुसा किस तरह करनी वे लेकिन ना मनु ना कुटवा देना कैसन प्यारी मरियम कुड़िया नु गलत गाइड करनी ऐ ते फिर गलत गल हो जाएगी ना प्यारी मरियम का नाम खराब हो जाएगा मरियम ऐसन का अब नाम जुड़ गया है प्यारी मरियम के साथ तो दो दो नाम खराब नहीं कराना ठीक है मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी अगर आप कमेंट्स में मुझे ये बात बताएंगे कि हाँ हम व्लॉगिंग करना चाहती हैं लेकिन हमें परमिशन नहीं मिलती तो आप मरियम बताएं हम क्या करें सबसे पहले आपने किचन में जो है ना चूल्हे को बिल्कुल भी नहीं जलाना बेशक वो सिलेंडर हो बेशक गैस वाला चूल्हा दूसरा जो पाकिस्तान में होता है बिजली वाला ओके पाकिस्तान का चूल्हा अभी आगे से कमेंट्स आएंगे तो भी पाकिस्तान फिर गई है प्यारी मरियम भूल गई है नहीं गाइस पता है ना आदत बंदे की फिर हो जाती है ना चेंज अच्छा जो गैस वाला चूल्हा है वो कभी भी आपने ना नहीं ऑन करना सबसे पहले आपने चीज़ें रेडी करनी है किचन में जाने से पहले सब मसाले बना लो प्याज टमाटर काट लो ये कर लो वो कर लो जो लड़कियां नहीं कुक करने वाली हैं ठीक है सब कुछ रेडी करके उसके बाद का प्रोसेस आता है आपका चूल्हे के पास का अब हम चूल्हे को जला लेते हैं बिस्मिल्लाह क्योंकि मेरा है सिलेंडर और मैं चला लेती हूँ बिस्मिल्लाह चूल्हा जला लिया है मैंने अरे वाले गाइस ये हमारा जो है ना ऑयल गर्म हो गया अब इसके बीच में डाल देते हैं प्याज सबसे पहले चलो लाल कर लो प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लो अच्छे तरीके से अभी प्याज लाल होने में टाइम लगेगा आपको 5-10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे सूखा हुआ मसाला गरम मसाला ये लकड़ी शकड़ी और इलायची शिलायची किस किस को लकड़ी का नाम पता है लकड़ी का नाम होता है दालचीनी आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसी कौन सी बात है गरम मसाला ना उसके उससे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है और टेस्ट बहुत प्यारा आता है तो है ना मैंने गार्निश करने के लिए ऊपर निकाल लेना है थोड़ा सा प्याज ठीक है प्याज के बीच में मैंने डाल देना है टमाटर टमाटर और लाल मिर्च गाइस मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं साथ साथ में ये मेरा प्याज टमाटर और साथ में मैंने इसमें डाला आलू बुखारा इमली सारी चीज़ें डाली हैं ठीक है अब इसको मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स गाइस आपने इसमें डाल देना है चिकन आराम से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इस मसाले को जो है ये भी डालना है गाइस चिकन में जो है ना आपने पानी नहीं डालना पानी मैंने मिक्स किया कि ये इसमें जो मसाला लगा हुआ है वो ना रहे ये इसको बीच में मिक्स कर लेना ठीक है अब चिकन को हमने पका लेना तो प्यारे वाली लड़कियों गाइस ये देखें मेरा चिकन कैसे मज़ेदार किस्म का फ्राई हो गया है अब मैंने इसको चिकन को इस कढ़ाई में चेंज कर लेना है अब इन चावलों को ये वाले चावल प्यारे वाले चावलों को मैंने उबाल लेना है थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है अब जो है पानी को मैंने उबाल लिया है चावल को ये उबालने के लिए चावल इसमें हमने डाल देने हैं आराम से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर आपसे किचन में कोई लड़कियों प्यारी प्यारी लड़कियों काम गलत हो जाता तो आपने ये नहीं कहना मेरे को तो हो ही नहीं सकना आपने करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह आपसे सबसे अच्छी दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी आपसे ही बनेगी अगर दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी आपसे नहीं बन सकती तो अपनी फैमिली में तो सबसे अच्छी बिरयानी आप बना सकती हैं प्यारे वाली गाइस ये देखें ये मेरे चावल जो है ना बिल्कुल उबल चुके हैं माशाल्लाह अच्छे से मुझे एक बात याद आई गाइस पता 3 महीने आज से 3 महीने पहले मुझे कुछ भी नहीं बनाने आता था फिर एक दिन आएगा मैं भी कहूँगी कि आप देखें मुझे इतनी अच्छी कुकिंग आती है कि मेरा एक सक्सेसफुल किचन है तो गाइस अब बारी आ जाती है प्यारी लड़कियों बिरयानी के फाइनल लुक की ये सबसे पहले मैंने देखी में डालना है चिकन कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं आराम आराम से काम करें कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ अब मैंने चिकन डाल लिया अब मैंने ये वाले चावल डालने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये ऐसे करके इसके ऊपर बिछाने हैं चावल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारे एक टाइ इसके ऊपर लगानी है किचन में आपने काम करना है बिल्कुल आराम से जो काम आपको लगता है आपसे 1 घंटे में होगा आप आधा घंटा पहले उस काम को शुरू कर लें ये मैंने एक तय लगा ली अब मैंने इसके ऊपर दूसरी वाली तय लगानी है ये चिकन को मैंने उठाना है क्योंकि मैं अकेली हूँ अगर हेल्प आप के पास नहीं है तो आप बहुत आराम आराम से काम करें ठीक है अब इसके ऊपर मैंने दूसरी तय लगा देनी है चिकन की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम
ये जो है मैंने चिकन की एक और तह ऊपर लगा दी है। अब जो है मैंने ये वाले बाकी चावल जो है इस डेगची में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके। अब गाइज आप देखते जाएं अब मैं क्या क्या रखती हूँ। अब मैंने इसके ऊपर रखे हैं ये आलू बुखारे। अब गाइज मैंने उसके ऊपर डाला है लीमू, के बाद मैंने इसके ऊपर डाल देना है ये बिरयानी मसाला। अब डाल देना है थोड़ा थोड़ा सा कलर, ये लास्ट में डाल दिया है मैंने ये प्याज जो मैंने शुरू में फ्राई किया था। अब मैंने इसके ऊपर दे देना है दम। अब इसको हम साइड साइड से हिला लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें गाइस, माशाल्लाह देखें आप लोग, मेरे चावल भी देखें और ऐसी बिरयानी देखें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि प्यारे हस्बैंड का दिल आ जाए, ऐसी बिरयानी आपने बनानी है कि आपके बच्चों का दिल आ जाए और वो खाना खाएं इतने इतने शौक से। और देखें आहा, कलर भी देखें प्यारा।